नेगेटिविटी को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले तो मैं आपको तीन प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, रेडियस, टाइप्स ऑफ रेडियस, उसका वेरिएशन इन पीरियड्स एंड ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, और लास्ट आज आपकी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसे हम कहते हैं वैद्युत ऋणात्मकता, हिंदी में इसको कहा जाता है वैद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। ये होती है, इसका मतलब हुआ द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम और ए फंक्शनल ग्रुप, किसी भी एटम और फंक्शनल ग्रुप की टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को आकर्षित करने की क्षमता। फिर से मैं रिपीट करूंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब हो गया द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम और ए फंक्शनल ग्रुप टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। सिंपल वर्ड में बोलूं तो किसी भी परमाणु और क्रियात्मक समूह को इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को आकर्षित करने की क्षमता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत ऋणात्मकता के नाम से जानते हैं। जैसे कि कोई भी तत्व है, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है आपका ए है, कोई भी गैसीय एटम है आपका ए है, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को आकर्षित करेगा, तो कोई भी तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को आकर्षित करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए माइनस गैसीय एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसे हम किस नाम से नॉमिनेट करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि वैद्युत ऋणात्मकता के नाम से जाना जाता है। ये तो सिर्फ परिभाषा हो गई जिसका हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जानेंगे। अब हमारा क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन किस तरह से होता है। जैसे कि मैं हर बार बता चुकी हूं कि किस तरह को प्रॉपर्टीज चेंज होती है इन पीरियड्स एंड ग्रुप। ठीक है, तो हम पहले एक्सप्लेन करेंगे इन्हें पीरियड्स। ठीक है, इन्हें पीरियड्स किस तरह से प्रॉपर्टीज हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिव, प्रॉपर्टी का मतलब हमारा यहां पर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से वेरी करेगी। जैसे कि हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ओके, मैंने चार एलिमेंट ले लिए, इन्हें पीरियड्स, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। कार्बन से पहले आप बोरोन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1, एटम नंबर 5 होता है। दिस इज 2p2, आगे का इसी रहेगा। दिस इज 2p3, दिस इज 2p4 एंड दिस इज 2p4 जैसे हर बार शो करती हूँ, एज इट इज 2p2, दिस इज 2p3, दिस इज 2p4 एंड दिस इज 2p5। दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को आकर्षित करने की क्षमता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है, मैंने आपको बताया द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, केवल आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, इसमें कोई एनर्जी का लॉस वॉस की बात नहीं करी जा रही है। जहां एनर्जी की लॉस की बात थी वो हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता होगी इसमें क्या होगी? कम होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अंदर की तरफ को केवल दो ही बैरियर्स आ गए। ओके, यहाँ पर टू, ये न्यूक्लियस यहीं पर है, सबके न्यूक्लियस अपनी जगह पर है, ये दो इलेक्ट्रॉन और तेजी से अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है, और न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन, सपोज मान के चलो ये न्यूक्लियस है आपका, ये दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ को तेजी से अट्रैक्ट होंगे। तो इसका मतलब आप आगे को जा रहे हो, तो तीन इलेक्ट्रॉन सेल्स कॉमन है, सेल्स कॉन्स्टेंट है सब में, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ती जाएगी क्योंकि सेल्स क्या है? कॉन्स्टेंट है। फिर आगे बढ़े, 2p4 में पहुंचे, सेल 1 2 3 4, चार इलेक्ट्रॉन और तेजी से अट्रैक्ट होंगे क्योंकि सेल कॉन्स्टेंट है। सेल कॉन्स्टेंट का मतलब यहाँ पर भी तीसरी सेल पर है, यहाँ पर भी तीसरी सेल पर है, यहाँ पर भी तीसरी सेल पर है, तीसरी सेल का मतलब 2p में ही है, और यहाँ पर भी तीसरी सेल में। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 5 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन और तेजी से अट्रैक्ट होंगे, 1 2 3 4 और 5, न्यूक्लियस की तरफ और तेजी से अट्रैक्ट होंगे, और वैद्युत ऋणात्मकता का मान, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लगातार क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि द न्यूक्लियस इज स्टेबल एंड द सेल्स इज ऑल्सो स्टेबल, ओनली इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े। जैसे कि यहाँ 1 था, यहाँ कितना होगा? 2 होगा, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने जाने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का नाभिक की तरफ कोई प्रॉपर अट्रैक्शन होगा, और पीरियड्स में जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता का मान लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाई फ्लोरीन शोन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन ही पीरियोडिक टेबल में एक ऐसे एलिमेंट होता है जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? ज्यादा होती है।
फ्लोरीन और ऑक्सीजन दो एक ऐसे एलिमेंट होते हैं, इसको आप हमेशा माइंड में सेट रखिए। ये वैसे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई आर फ्लोरीन सो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या नेम द वन एलिमेंट विच शोन द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। कुछ एक ऐसा एलिमेंट का नाम बताइए जो पीरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, तो वो फ्लोरीन है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के देखो इसका कारण मैं आपको बताती हूँ, आपको इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हम फ्लोरीन को लेकर बात करें, क्योंकि हमने पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्लोरीन को लेकर करा है, तो फ्लोरीन है ये, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया 1, 2 और ये तीसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके 5 इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ये 5 इलेक्ट्रॉन तेजी से न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ होता होगा बहुत तेजी से उनका। नियोन के बाद क्या होता है, लियम ही फ्लोरीन के बाद क्या होता है, नियोन आता है, नियोन होगा 2p6, नियोन क्या होगा आपका 2p6, 2p6 का मतलब क्या हो गया, दिस इज न्यूक्लियस और वो हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, इसको हमने कहा न्यूक्लियस, थोड़ा न्यूक्लियस पीछे को कर लेते हैं, हो गया आपके सेल्स 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब ये इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ को तो अट्रैक्शन प्रॉपर होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी 6, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और आपको मैं बता चुकी कोई भी एलिमेंट हमेशा जब स्टेबल होता है केवल दो ही कंडीशन होती है, हमेशा माइंड में सेट रखेगा, या तो वो हाफ फिल्ड हो या वो फुली फिल्ड हो, ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इज द फुली फिल्ड ऑर्बिटल, तो इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ को प्रॉपर अट्रैक्शन होने का सवाल ही नहीं उठता। तो अब आपका सेकंड लास्ट एलिमेंट कौन सा बचा, नियॉन में होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है, 2p6 है, 2p6 का मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड है एंड इट बिकम स्टेबल एंड डू नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ को आकर्षित नहीं होगा। अब बात करेंगे फ्लोरीन की, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, न्यूक्लियस के अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इनके बाहर से और अटैक करने की टेंडेंसी रखेंगे, तो इसकी वैद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यही कारण है कि नियॉन की वैद्युत ऋणात्मकता 0 होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसलिए होती है क्योंकि इस ये इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या होते हैं, पूरे भरे होते हैं, पूरे भरे हैं तो ये ना तो नाभिक की तरफ को आकर्षित होंगे क्योंकि ये स्टेबल है, और ना ये बाहर से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को आकर्षित करेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो पूरा पहले से भरा हुआ है, और जो पूरा भरा हुआ तो इसका होगा स्टेबल होगा। तो यही कारण है कि नियॉन नियॉन सीरीज के जो एलिमेंट होंगी इनके लगभग सभी एलिमेंट के लगभग नहीं हमेशा ही कह सकते हैं कि नियॉन सीरीज यानी कि इनर्ट गैस की वैद्युत ऋणात्मकता का मान 0 होता है, क्योंकि दे बिकम स्टेबल, ये हमेशा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पूरे भरे होते हैं। अगर हम नियॉन वाली सीरीज की बात करेंगे, कहने का मतलब इन ग्रुप, इसका आप ये बात समझ गए कि वैद्युत ऋणात्मकता का मान दाएं से बाएं जाने पर यानी कि पीरियड्स में जाने पर लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब बात करेंगे अगर हम इनकी किसमें, ग्रुप में बात करेंगे, ग्रुप में कोई भी आप एलिमेंट को एक्सप्लेन कर लीजिए, आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए जिसके हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक्सप्लेन कर जाएंगे, तो हम ले लेते हैं आपका, ठीक है, दो एलिमेंट लेते हैं, बोरॉन और एल्यूमिनियम। बोरॉन का ले लिया आपका हो गया 1s2 2s2 2p1, ठीक है, ये हो गया 1s2, ये हो गया 5 और ये हो गया 13, दिस इज 2s2 2p6 3s2 3p1। अब आप देख रहे हैं 1s2, ये हो गया 1s2 2s2 2p1 में एक इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्शन होगा। सेम वे एल्यूमिनियम के लिए बात करते हैं, ये हो गया 1s2, ये 2s2, ये 2p6 3s2 3p1, 3p1 में एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप इसमें क्या देख रहे हैं कि आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बट इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट। पहले वाले में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे थे, और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे थे, क्यों हो रहे थे इंक्रीज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगातार बढ़ती जा रही थी, या कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण लगातार इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन के कारण वैद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता जा रहा था। अब बात कर रहे हैं ग्रुप में, तो इलेक्ट्रॉन रिमेन कॉन्स्टेंट, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है 2p में, ये जो दिखा रखा है हमने 2p1 में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3p1 में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सेल्स बढ़ गई। ये सेल्स क्या है, 1, 2, 3, 4, ये 4 सेल्स बढ़ जाने से ये दूरी बढ़ गई, और दूरी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ को प्रॉपर अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस सेल इज द बैरियर सेल टूवर्ड अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस साइड। इन इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट करने के लिए ये सेल किसी तरह काम करेंगी, बैरियर की तरह काम करेंगी, और बैरियर की तरह काम करेंगी तो इन इलेक्ट्रॉन का नाभिक की तरफ को प्रॉपर अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, या अट्रैक्शन ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होगा, होगा, लेकिन ये इसके लिए क्या करेंगे, अवरोध उत्पन्न करेंगे, बैरियर का मतलब हो गया अवरोधक सेलों की तरह काम करेंगी, ठीक।
और लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही है। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते तो नाभिक की तरफ आकर्षित होते, क्योंकि आपको बता रखा मैंने नाभिक में कैसा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है, प्लस आवेश वाला माइनस आवेश की तरफ अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा। तो किस इससे क्या समझे, इसका साइज छोटा है इसमें अट्रैक्शन होगा, क्योंकि अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड द न्यूक्लियस, इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। तो इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्शन होगा, लेकिन सेल इसमें भी वेरिएबल है कि साइज क्या है, साइज इसका क्या है, छोटा है, अट्रैक्ट होगा। अब दूरी बढ़ती जाएगी अट्रैक्शन कम होता जाएगा, दूरी बढ़ती जाएगी अट्रैक्शन कम होता जाएगा, ये दूरी बढ़ गई तो अट्रैक्शन कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया तो अट्रैक्शन कम होना विद्युत ऋणात्मकता थोड़ी है, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करना विद्युत ऋणात्मकता होता है, अट्रैक्ट कम होना विद्युत ऋणात्मकता नहीं होता। तो अट्रैक्शन कम हो रहा था, आप क्या समझे, हम अट्रैक्शन कम हो रहा है तो हम ये समझे कि ऑन मूविंग अप टू डाउन, हम जैसे ऊपर से नीचे गए विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता चला गया, क्या चले गया, घटता चला गया, यानी कि डिक्रीज हो गया, ठीक है, डिक्रीज हो गया। अब स्पेशली एक्सप्लेन करते हैं लास्ट हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन और रेडॉन के लिए, ये आपकी इनर गैस है यानी कि आठवां 18th ग्रुप है। हीलियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है 1s2, ठीक है, ठीक है, इसका हो गया 1s2 2s2 2p6 पूरा भरा हुआ है, देख लो ये पूरा भरा हुआ है, इसके नीचे वाला का होता है आपका 3p6, ये भी पूरा भरा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे वाले का देखोगे 4p6, ये भी पूरा भरा हुआ है। तो आप क्या ऑब्जर्व करो, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे जैसे हम ऊपर से लेके नीचे जा रहे हैं इनर्ट गैस में, इनकी सेल्स क्या है, सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंट, तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक की तरफ अट्रैक्ट होना, इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता मतलब होता है अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे ही नहीं, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट सेल पहले से भरी हुई है, जब इनकी आउटर मोस्ट सेल पूरी भरी हुई है तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं होगा, या वेरिएशन नहीं शो करेंगे, या विद्युत ऋणात्मकता मान होगा तो अगर बहुत कम होगा, बहुत माइन्यूट। तो अब बात होती है कि हम कैसे पहचानेंगे, ये लेबोरेटरी मेथड है, हम लेबोरेटरी मेथड के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो कहने का तब इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान लगभग लगभग क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है, या कम होगा, बहुत कम होगा। अब ये बात आप समझ गए, आज मैंने आपको चार प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कंप्लीट कर दी। क्वेश्चन उठता है कि व्हाट फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वैद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करते हैं, वैद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते होंगे जो वैद्युत ऋणात्मकता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिसमें से पहला कारक है वही सेम आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया, एटॉमिक साइज यानी कि परमाणु का आकार, जितना छोटा आकार होगा, ठीक है, साइज जो होता है, अगर सिंपल वर्डों में बोलूं, अगर ट्रिकी से एक्सप्लेन करें तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं EN, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या मतलब समझे, अगर साइज बढ़ेगा तो वैद्युत ऋणात्मकता का मान कम हो जाएगा। तो ये इसको एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है कि हमने देखा कि जब हम दाएं से बाएं गए यानी कि इन्हें पीरियड्स द पीरियड्स में गए तो हमने देखा था ये 2p1 था, आगे गए तो हमारे क्या था 2p2 था, फिर आगे गए तो हमारे क्या था 2p3 था, तो क्या था, द सेल्स रिमेन कांस्टेंट बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इंक्रीजेस, और कहां तक बढ़ेंगे, p6 तक बढ़ेंगे, p6 तक क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि p में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 6 आते हैं, तो ये p1 हो गया, दिस इज p2 हो गया, p3 हो गया, इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर नाभिक की तरफ को आकर्षण हो रहा है, यानी कि आकर्षण होने का मतलब साइज घट रहा है, साइज घट रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो फिट हो रहा कि साइज घटने के साथ साथ बात वही आती है घुमा फिरा के, कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का, जितना ज्यादा परमाणु का आकार छोटा होते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ को अट्रैक्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ को अट्रैक्ट हो रहा है तो साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, और विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, तो पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज, और इसका मतलब क्या हो, जस्ट अपोजिट, अगर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन का नाभिक की तरफ को अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, और अट्रैक्शन नहीं हो रहा तो वैद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। सो दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो ये था हमारा पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर जो हमारा प्रभावित करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, वैद्युत ऋणात्मकता को, वो हमारा क्या है, दूसरा फैक्टर हमारा है ZEFF, प्रभावी नाभिक आवेश। अगर आपको याद होगा मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन करा था प्रभावी नाभिक आवेश, प्रभावी नाभिक आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आपको नाम से क्लियर हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस पर जितना इफेक्टिव प्रभावी नाभिक आवेश,
न्यूक्लियस पर जितना आवेश होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर सके। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ इज डिपेंडेंट अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज। वो किस पर डिपेंड करेगा? न्यूक्लियर चार्ज पर। नाभिकीय आवेश अगर ज्यादा है तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ इज इंक्रीजिंग। जितना ज्यादा नाभिकीय आवेश होता रहेगा, अगर नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो नाभिक की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो कहने का मतलब जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर प्रभाव नाभिक की आवेश कम है, इलेक्ट्रॉन का नाभिक की तरफ अट्रैक्शन कम है, यानी कि नाभिक की आवेश कम है, प्रभावी नाभिक की आवेश कम है, तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक की तरफ अट्रैक्शन क्या होगा आपका? कम होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू यानी कि विद्युत ऋणात्मकता की वैल्यू घट जाएगी। क्वेश्चन उठता है कि आपको प्रभावी नाभिक की आवेश आता है या नहीं है। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश को देखने के लिए आप पहले वाली वीडियो को चेक करिएगा, मैंने उसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को पूरा एक्सप्लेन करा है। ठीक, उसके बाद है थर्ड फैक्टर जो हमारा एटॉमिक रेडियस को प्रभावित करता है। ठीक है, वो है आपका चार्ज ऑन द एटम। किसी भी एटम पर चार्ज, फिर वही बात है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये नाभिक पर चार्ज बोला, चार्ज ऑन द एटम, एटम पर उपस्थित चार्ज। ठीक है, हायर चार्ज जितना, फिर वही बात आ रही, चार्ज होने का मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा किसी भी एटम पर, हायर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा चार्ज होगा किस पर? एटम पर, किसी भी एटम पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, जैसे कि आपका कोई ए प्लस स्पीसीज है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, कर लीजिए कोई भी ए प्लस स्पीसीज है और उसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है तो इसके इस समय इसका अट्रैक्शन उतना प्रॉपरली नहीं होगा। लेकिन अगर ए थ्री पॉजिटिव चार्ज है तो आप ये देखिए ना, ये कितना चार्ज है, थ्री पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? द अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ को, और जितनी तेजी से वो अट्रैक्ट करेगा विद्युत ऋणात्मकता का मान यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने आपको बताया पहला फैक्टर एटॉमिक साइज, दूसरा प्रभावी नाभिकीय आवेश, तीसरा हो गया चार्ज ऑन द एटम। अब जो चौथा फैक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है। जो फोर्थ फैक्टर है वो हमारा है टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हल्का सा एक्सप्लेन कर देती हूँ बस। टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का संकरण है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण। क्या होता है आपका? संकरण। जिस तरह का संकरण होगा उसके अकॉर्डिंग भी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रभावित होती है। कैसे? देखिए, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हमारे पास जो मेन हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो होते हैं sp, दूसरा होता है sp2 और तीसरा होता है sp3। एंड दीज थ्री टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड अपॉन द s कैरेक्टर। किस पर डिपेंड करते हैं ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन जो डिपेंड करते हैं? वो s कैरेक्टर पर डिपेंड करते हैं। s कैरेक्टर क्या होता है? द परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ द s, s का कितना परसेंटेज इन संकरण में प्रभावी हो रहा है। ठीक है, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका 25%, इसका 33% और इसका 50% s कैरेक्टर होता है। दिख रहा है वैसे? ठीक है, ये s का 50% कंट्रीब्यूट होता है इन द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, इसमें s का 33% और इसमें 25%। ठीक, और रूल ये कहता है कि जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। कारण बताती हूँ मैं आपको, s कैरेक्टर होने का आपको पता होगा, s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, p ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है, d ऑर्बिटल डबल डंबल शेप का होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, अब s ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होने के कारण इसका न्यूक्लियस ये है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द सेल्स एंड सबसेल्स, इन सेल्स और सबसेल में प्रेजेंट होते हैं, इन स्फेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो स्फेयर होने के कारण इसका नाभिक की तरफ को क्या होता है? अट्रैक्शन ज्यादा होता है, यानी कि s कैरेक्टर यानी कि s ऑर्बिटल ज्यादा इन्वॉल्व होता है इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमारा रूल ये कहता है कि जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तो मैंने आपको बताया इसमें 50% s और 50% p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, इसमें 33% होता है, इसमें 25% दिख भी रहा है, ये 25% दैट मींस 75% क्या होगा? p के होंगे। ठीक, हो गया 25 25 25, 75 हो गया, इसमें 33% होता है, रिमेनिंग क्या होता है? p ऑर्बिटल होता है। और कहता है अगर इसके एग्जांपल लेके चलेंगे तो इसके एग्जांपल होता है C2H2,
ये ऑर्गेनिक का पार्ट है थोड़ा सा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल हो गया C2H4 और इसका एग्जाम्पल हो गया CH4। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है किसी भी एलिमेंट में, यानी कि एस कैरेक्टर होने का मतलब क्या, एस कैरेक्टर होने के पीछे लॉजिक यही है कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ को प्रॉपरली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जिसमें जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा वो उतने ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करेगा। तो आप एस कैरेक्टर होने के कारण क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी प्रभावित होती है। तो मैंने आपको बताया एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है, किसमें है आपको देखा, sp में, फिर क्या हो गया sp2 में, फिर किसमें हो गया sp3 में। तो सबसे ज्यादा sp, फिर देन आफ्टर व्हाट sp2, देन आफ्टर व्हाट sp3। यानी कि कहने का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें जाएगी तो c2h2, फिर हो गया c2h4, देन आफ्टर क्या व्हाट CH4। और ऐसे भी समझ सकते हो C2H2 का मतलब होगा C2H2, यानी कि डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड सॉरी, C2H2 का मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2 एंड CH4, दिस इज द लास्ट एलिमेंट जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है और इसके स्पीकर एस कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, प्रभावित होगी। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा होगी, फिर किसमें होगी डबल बॉन्ड में, फिर ये होगी सिंगल बॉन्ड में। तो दिस इज द फाइनल फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहने का मतलब है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होंगे, यानी कि ज्यादा नजदीक होने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ को ज्यादा हो रहा है, इसमें इसके कंपैरिजन में कम होंगे और इस वाले में तो सबसे लास्ट में होंगे। तो अट्रैक्शन ही, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से अट्रैक्ट होंगे, प्रॉपरली न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक, तो ये था आपका फाइनल लास्ट टॉपिक ऑफ द पीरियड टेबल। इससे पहले मैंने आपको पीरियड टेबल के सारे क्लासिफिकेशन और पीरियड टेबल की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट सीरीज आपकी अब दूसरी स्टार्ट होगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस।